काम अधूरा नहीं पूरा कीजिए, सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो हमारा नया लेसन है प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। तो इस लेसन में आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको बस जो जैसे कि प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया, इस लेसन के नाम से स्पष्ट है कि प्रश्न पत्र कैसा होना चाहिए और उसके निर्माण में कौन कौन से चरण होने चाहिए और प्रश्न पत्र के निर्माण के कौन कौन से नियम होने चाहिए और कुछ विचारकों के जो विचार होते हैं इस संबंध में वो क्या हैं, ठीक है। ऐसे ही तमाम चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे और इस जो लेसन है इसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उनकी चर्चा भी हम इसी के माध्यम से करते हैं, ठीक। तो पहला यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है कि परीक्षणों की रचना में कौन कौन से 5 चरण होते हैं, ठीक है। परीक्षणों के रचना में या प्रश्न पत्र निर्माण की रचना में, तो पहला है परीक्षा योजना बनाना, ठीक। सबसे पहले क्या होता है कि एक योजना बनाई जाती है, प्रारूप तैयार किया जाता है और उसके बाद परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना और परीक्षण का मूल्यांकन करना और परीक्षण के अंतिम रूप की रचना। तो ये 5 चरण होते हैं किसी भी परीक्षणों की रचना के प्रयोग में या फिर किसी भी रचना में जो उसके प्रयोग में 5 चरण होते हैं या उसको बनाने की प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि परीक्षण रचना में कौन से 4 नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। तो पहला नियम है कि परीक्षण के द्वारा शिक्षण के परिणाम स्वरूप छात्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के मापन की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। परीक्षण में उसके उद्देश्यों को प्रतिबिंबित होना चाहिए कि परीक्षण के उद्देश्यों के अनुकूल ही इसके प्रश्नों या पदों का निर्माण होना चाहिए। परीक्षण प्रश्नों का निर्माण या चयन प्रायः संपूर्ण विषय सामग्री पर आधारित होना चाहिए और परीक्षण के स्वरूप में उसके प्रशासन की दशाओं का उल्लेख होना चाहिए, अर्थात परीक्षण का स्तर क्या है तथा यह किस आयु वर्ग लिंग मानसिक स्तर के छात्रों व्यक्तियों पर प्रशासित किया जाएगा, ठीक। तो ये परीक्षण रचना में जो नियम थे वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो पहला और दूसरा प्रश्न हो गया है। तीसरा है कि परीक्षण के प्रारंभिक जांच करने के कौन कौन से प्रयोजन होते हैं, ठीक। प्रारंभिक जांच करने के प्रयोजन अत्यंत नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है, अत्यंत सरल एवं अत्यंत कठिन प्रश्नों को परीक्षण से हटा दिया जाता है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अच्छे एवं कमजोर छात्रों में भेद नहीं कर पाते। बस जांच के द्वारा अनिश्चित उत्तर वाले प्रश्न, अस्पष्ट एवं संदिग्ध भाषा वाले निरर्थक प्रश्न परीक्षण से हटा दिए जाते हैं। सा है, इससे यह मालूम हो जाता है कि परीक्षण उस समूह की उपलब्धि या योग्यता मापने के लिए उपयुक्त है या नहीं जिसके लिए वास्तव में इसका निर्माण किया गया है। परीक्षण के अंतिम रूप में लगने वाले समय सीमा का निर्धारण किया जा सकता है। परीक्षण के विभिन्न पदों को उनकी कठिनाई स्तर के आधार पर क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाता है। परीक्षण के अंतिम रूप में पदों की संख्या निर्धारित की जाती है और इस जांच से परीक्षण की प्रशासन विधि एवं नियम निर्देश आदि निश्चित कर लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षण की फलांकन विधि का भी निर्धारण हो जाता है, ठीक। ये प्रश्न यहाँ पे इसका उत्तर पूरा हो गया। आगे लिखा है कि वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होता है उसकी विशेषताएँ क्या होती हैं। तो यहाँ पे दी हुई हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषताएँ कि इन परीक्षणों में ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर निश्चित एवं संक्षिप्त होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे कि जो उत्तर होते हैं निश्चित होते हैं और संक्षिप्त होते हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो निर्माण एक कुशल निर्माण परीक्षण निर्माता ही कर सकता है। इसके निर्माण में विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें छात्र को अपने भाव को व्यक्त करने का अवसर नहीं मिल पाता क्योंकि इसमें उत्तर निश्चित और संक्षिप्त होते हैं, इसलिए वो अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पाता। इन प्रश्नों को पढ़ने एवं उनको समझने में परीक्षार्थी को अधिक समय देना पड़ता है। उत्तर लिखने या चुनने में बहुत कम समय लगता है। इसका अंकन आसान होता है, ठीक। ये प्रश्न आपका पूरा हो गया। आगे लिखा है कि विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठ का प्रमुख गुण है। यदि एक से अधिक परीक्षक एक ही उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करें तो प्राप्तांक में स्थिरता होगी। क्या ये कथन सत्य है? तो विश्वसनीयता यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षण में विश्वसनीयता पाई जाती है, परीक्षार्थी के प्राप्तांक में स्थिरता पाई जाती है। इसका अर्थ यह है कि यदि एक से अधिक परीक्षक एक ही उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करे तो प्राप्तांक में क्या स्थिरता होगी। इसके अतिरिक्त यदि एक ही परीक्षक किसी उत्तर पुस्तिका का कई अवसरों पर मूल्यांकन करे तो भी जो प्राप्तांक होगा वो स्थिर रहेगा। आगे है निबंधात्मक परीक्षण के गुण संक्षिप्त में लिखिए। निबंधात्मक परीक्षण के प्रमुख निम्नलिखित विशेषता पाई जाती हैं जिसके कारण इनका प्रयोग किया जाता है। प्रायः कहते सुना
जाता है कि निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में अनेक दोष हैं जिसके कारण छात्रों की उपलब्धि का सही मूल्यांकन संभव नहीं है, क्योंकि लोगों की ऐसी धारणा पूर्णतः सत्य नहीं है। निबंधात्मक परीक्षाओं के द्वारा विद्यार्थी को उपलब्धि के साथ साथ अनेक क्षमताओं, योग्यताओं, व्यक्तित्व के गुणों का मापन हो जाता है। इसी गुण के कारण निबंधात्मक परीक्षाओं को अब भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। निबंधात्मक परीक्षाओं के यहाँ प्रमुख गुण दिए हुए हैं, देखते हैं। पहला है रचना एवं प्रशासन में सरलता। तो निबंधात्मक प्रश्नों की रचना देखो बहुत सरल होती है। प्रश्न निर्माता एक या दो वाक्यों में प्रश्न की रचना सुगमता से कर लेता है। इस प्रकार के प्रश्नों के निर्माण में शिक्षकों को अधिक समय नहीं लगाना होता है। निबंधात्मक प्रश्नों की रचना में शिक्षकों को किसी विशिष्ट कौशल की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्नों की रचना की भांति निबंधात्मक प्रश्नों का प्रशासन भी बहुत सरल एवं सुविधाजनक होता है। अध्यापक कम समय में ही विषय पर आधारित 8 से 10 प्रश्नों की रचना कर लेता है तथा परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में बैठाकर इन प्रश्नों को वितरित कर देता है। निर्धारित समय के उपरांत शिक्षक द्वारा परीक्षार्थियों से उत्तर पुस्तिकाओं को इकट्ठा कर लिया जाता है, अतः बहुत सीमित समय में छात्रों की उपलब्धि एवं योग्यताओं का मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक, आगे है मितव्ययिता। तो निबंधात्मक परीक्षाओं की दूसरी विशेषता इसकी मितव्ययिता है। इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण एवं प्रशासन में समय, श्रम एवं धन की बचत होती है और इनकी रचना एवं प्रशासन के लिए अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा है भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता। इस प्रकार की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को अपने आंतरिक भावों को अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। इसमें परीक्षार्थी किसी विषय, तथ्य, घटना पर अपने मौलिक विचारों को निसंकोच व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते समय परीक्षार्थी अपनी योग्यता के अनुसार विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप में संगठित कर लेता है। इससे छात्रों की मौलिकता एवं भाव प्रकाशन की क्षमता का सही ज्ञान हो जाता है। चौथा है भाषा एवं लेखन शैली का मूल्यांकन। निबंधात्मक परीक्षाओं में प्रश्नों का उत्तर विस्तार में देना होता है। परीक्षार्थी अपनी भाषा, शब्द भंडार एवं लेखन शैली का प्रयोग करके प्रश्न का अच्छे से अच्छा उत्तर देने का प्रयत्न करता है। इन परीक्षाओं के द्वारा इस बात की परख हो जाती है कि निर्धारित समय में कोई छात्र पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कितनी अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकता है। अतएव इन परीक्षाओं के माध्यम से व्यक्ति के भाषा एवं लेखन संबंधी योग्यता का भलीभांति मापन किया जा सकता है। अन्य प्रकार की परीक्षाओं जैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के माध्यम से व्यक्ति की भाषा संबंधी योग्यता का मापन संभव नहीं है। पांचवा पॉइंट है व्यक्तित्व का मूल्यांकन। निबंधात्मक परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य छात्रों की विषय संबंधी उपलब्धि का मूल्यांकन करना है। फिर भी ये परीक्षाएँ छात्रों के व्यक्तित्व के मूल्यांकन में सहायक होती हैं। छात्रों के लेख में हम उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों से रुचियों, अभिक्षमताओं, अभिवृत्तियों, मूल्यों आदि का मापन कर लेते हैं। परीक्षाओं के उत्तर उसकी लेखन शैली तथा विचारों के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण में उसकी चिंतन शक्ति एवं सुसंगठित व्यक्तित्व का प्रक्षेपण हो जाता है। अतः इस प्रकार की परीक्षाओं के द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व के गुणों का सही मूल्यांकन हो जाता है। छठा है उच्च मानसिक योग्यताओं का मापन। यह परीक्षा पद्धति विद्यार्थियों की उच्च मानसिक योग्यताओं जैसे चिंतन शक्ति, बुद्धि, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति आदि का मापन करती है। इस प्रकार के प्रश्नों में समालोचना, विवेचना, व्याख्या, मत प्रकट करना, तर्क करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार के उत्तर देने में छात्र अपनी बुद्धि, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति आदि का प्रयोग करते हैं। अतः इस प्रकार की परीक्षाओं में उच्च मानसिक योग्यताओं के मापन का अवसर प्राप्त होता है। सातवां है नकल की कम संभावना। निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर बड़े होते हैं तथा विषय वस्तु के विस्तार के कारण इनमें नकल की करने की जो संभावना होती है वो कम होती है। सभी विद्यालयी विषयों के मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की तुलना में निबंधात्मक परीक्षाएं सभी विद्यालयी विषयों में छात्र उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त होती हैं। कुछ ऐसे भी विषय हैं जिनमें वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का प्रयोग कदापि संभव नहीं है, परंतु इन विषयों के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक परीक्षा उपयुक्त सिद्ध हुई है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि ये जो प्रश्न था, विशेषताएँ थी, ये आपको समझ में आ गई होंगी। हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंतर। तो निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंतर, इसके प्रयोग किए जाने वाले प्रश्नों निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ के संदर्भ में होता है। अतः इन दोनों परीक्षणों में अंतर, इन दोनों प्रकार के प्रश्नों के अंतर के आधार पर समझा जा सकता है कि निबंधात्मक प्रश्न में उत्तरदाता को उत्तर की स्वतः रचना करने और अपने शब्दों में उत्तर देने का अवसर रहता है, जबकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में उत्तरदाता को दिए गए प्रश्न के उत्तर के विकल्पों से अपने उत्तर का चयन करना होता है। निबंधात्मक प्रश्न की रचना सरल होती है और इसमें अंकन व्यक्तिनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की रचना कठिन होती है, किंतु इसमें अंकन वस्तुनिष्ठ होता है। प्रश्न निर्माण प्रक्रिया में ब्लूप्रिंट की क्या भूमिका है। ब्लूप्रिंट पाठ्य सामग्री पर अंकों का विभाजन
प्राप्य उद्देश्यों पर बल का निर्धारण, प्रश्नों की रचना संबंधी बिंदुओं पर तैयार की गई सारणियों के आधार पर प्रश्न रचना हेतु एक अलग सारणी तैयार की जाती है। इसमें प्राप्य उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, प्रश्नों के प्रकार एवं उनकी संख्या आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है और इसे ही ब्लूप्रिंट कहते हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि परीक्षण की रचना का तीसरा और चौथा चरण कौन सा होता है? तो परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना, परीक्षण का मूल्यांकन करना, ये आप अभी पीछे पढ़ चुके हैं। परीक्षण निर्धारण के संबंध में स्टैनली और हॉकिंस के विचार, तो स्टैनली और हॉकिंस के विचार हैं कि शिक्षण कराते समय अध्यापक जिस प्रकार के शैक्षणिक उद्देश्यों या सीखने के व्यवहार पर अधिक बल देता है, तदनुरूप परीक्षण निर्माण करते समय उस प्रकार के उद्देश्यों एवं व्यवहारों को अधिक महत्व दिया जाता है। आगे है कि वस्तुनिष्ठता परीक्षण में विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण के द्वारा विभिन्न शैक्षिक योग्यता वाले विद्यार्थियों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। इसके लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में विभिन्न कठिनाई स्तर के पद सम्मिलित किए जाते हैं। कुछ प्रश्न कठिन, कुछ सामान्य स्तर तथा शेष कम कठिनाई स्तर के होते हैं। इस प्रकार के वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की सहायता से छात्रों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उन्हें प्रतिभा संपन्न, सामान्य स्तर तथा औसत के नीचे के वर्गों में रखा जा सकता है। आगे है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार, ठीक, तो दो भागों में है, एक तो पहचान पद और दूसरा है प्रत्यास्मरण पद। तो पहचान पद में है एकांतर या विकल्प और बहुविकल्पी, मिलान पद और वर्गीकरण, और प्रत्यास्मरण में सरल प्रत्यास्मरण पद और रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक, ये हो गए इसके प्रकार। आगे है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रमुख दोष, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से छात्रों के सृजनात्मकता, मौलिक चिंतन की जो क्षमता, भाषा शैली, तथ्यों को व्यवस्थित क्रम में संगठित करने की योग्यता का मापन संभव नहीं होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा विद्यार्थियों के भाव प्रकाशन की क्षमता, विषय के प्रति उनके वैयक्तिक दृष्टिकोण का मापन नहीं हो सकता है। इसके द्वारा छात्रों के स्मरण शक्ति या धारण क्षमता का मापन हो सकता है, परंतु छात्रों की उच्च मानसिक योग्यता का मूल्यांकन इसके द्वारा संभव नहीं है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की रचना एवं प्रशासन अपेक्षाकृत कठिन है। इसमें छात्रों की अनुमान के आधार पर उत्तर देने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। इससे कभी कभी अनुमान का सहारा लेने वाला विद्यार्थी भी अच्छे अंक प्राप्त कर लेता है। इसमें नकल करने की संभावना बढ़ जाती है। आगे निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। तो निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध, ठीक, तो ये प्रकार हो गए। आगे है कि भाषा एवं लेखन शैली का मूल्यांकन निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा ही संभव है। कैसे? तो निबंधात्मक परीक्षाओं में प्रश्नों का उत्तर विस्तार में देना होता है। परीक्षार्थी अपनी भाषा, शब्द भंडार एवं लेखन शैली का प्रयोग करके प्रश्नों का अच्छे से अच्छा उत्तर देने का प्रयत्न करता है। इन परीक्षाओं के द्वारा इस बात की परख हो जाती है कि निर्धारित समय में कोई छात्र पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कितनी अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकता है। अतः इन परीक्षाओं के माध्यम से व्यक्ति के भाषा एवं लेखन संबंधी योग्यता का भलीभांति मापन किया जा सकता है। अन्य प्रकार की परीक्षाओं जैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के माध्यम से व्यक्ति की भाषा संबंधी योग्यता का मापन संभव नहीं है। आगे निबंधात्मक परीक्षण में विश्वसनीयता की कमी होती है। उदाहरण दीजिए। तो निबंधात्मक परीक्षाओं की में क्या होता है भाई, विश्वसनीयता की कमी पाई जाती है। इसके निम्न उदाहरण है। पहला है कि दो परीक्षक एक ही उत्तर पुस्तिका को जांचने में भिन्न भिन्न अंक प्रदान करते हैं, जिससे अंकों की विश्वसनीयता कम हो जाती है। एक ही परीक्षक द्वारा उसी उत्तर पुस्तिका को दो अवसरों पर जांचने पर भिन्न भिन्न अंक प्रदान किए जाते हैं। तो उपरोक्त अंकन संबंधी दोष निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरों की अनिश्चितता है, जिसके कारण परीक्षक कोई भी अंक प्रदान कर देता है। आगे है कि निबंधात्मक परीक्षण रटने पर बल देते हैं, इस कथन की सार्थकता बताइए। तो निबंधात्मक परीक्षाएं छात्र निष्पत्ति का सही मापन न करके छात्र की स्मरण शक्ति या रटने की योग्यता का मापन करती हैं। तोते की तरह रटकर परीक्षा में उत्तरों को लिखने मात्र से शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्त नहीं होती। किसी विषय के रटने से का सही ज्ञान नहीं होता। रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए निबंधात्मक परीक्षाओं के प्रश्नों की प्रकृति में सुधार आवश्यक है। परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया ही परीक्षण है। मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या आशय है? जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय दी गई सूचियों दो या अधिक में एक सूची या आधार सूची के एकांशों को दूसरी सूची, प्रतिक्रिया सूची जिसमें एक या अधिक सूचियां हो सकती हैं, के एकांशों से मिलान या जोड़ा बनवाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब वो मैचिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं। तो इसी के साथ जो आज का लेसन था ये भी समाप्त होता है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को 200 तक पहुँचाइए। और चैनल में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।